फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं अकाउंट विथ टैली प्राइम। जी हाँ दोस्तों, टैली प्राइम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गोडाउन, गोडाउन के बारे में सारी डिटेल्स, गोडाउन की एंट्री टैली प्राइम में कैसे की जाए, गोडाउन क्या होते हैं, गोडाउन में किस चीज को रखा जाता है और गोडाउन के क्या यूज होते हैं और उसे हम टैली प्राइम में उसके फीचर्स को अनेबल कैसे करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, टैली ईआरपी 9 जो था हमारा, उसमें गोडाउन की फीचर्स को अनेबल करने के लिए हमें कीबोर्ड से F11 प्रेस करने होते थे और वहां से इन्वेंट्री वाले में, यहाँ 6 नंबर वाले में, 6 नंबर ऑप्शंस में यहाँ पे गोडाउन होते थे, अनेबल गोडाउन वाले ऑप्शन हमें यस करने होते थे, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। टैली प्राइम में गोडाउन के कोई ऐसे ऑप्शन नहीं है जिसे हम अनेबल कर सकते हैं। इस हम स्केप की से बाहर आते हैं एंड देन हम आपको बताते हैं कि टैली प्राइम में हम गोडाउन कैसे क्रिएट करेंगे और गोडाउन की जो एंट्री है वो हम कैसे करेंगे और उसकी एंट्री में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डाली जाती है, गोडाउन कहाँ की है, कैसी है, किस लोकेशन पे है, इन सबको ट्रैक कैसे किया जाता है टैली प्राइम में। सबसे पहले हम सीखेंगे कि गोडाउन हम क्रिएट कैसे करें, क्योंकि टैली ईआरपी 9 तो है नहीं कि गोडाउन वाले ऑप्शंस अनेबल करके और डायरेक्ट स्टॉक वाउचर पे जाके उसकी एंट्री कर लेंगे, बट यहाँ हमें पहले गोडाउन क्रिएट करने होंगे। तो हम आएंगे एक गेटवे ऑफ टैली पे, जो कि हमारी एक कंपनी खुल रखी है, या फिर हम चाहे तो कोई और भी कंपनी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आइए हम आपको शुरू से एक कंपनी क्रिएट करते हैं जिसमें हम गोडाउन की एंट्री करेंगे। हम कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके कंपनी पे जा सकते हैं या फिर माउस ड्रैग करके कंपनी पे आकर के वहां से हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। क्रिएट वाले ऑप्शंस पे आएंगे और यहां से हम एक कंपनी क्रिएट कर ले रहे हैं। कंपनी का नाम है हमारा स्पीयर ब्लास्टर एंड कंपनी लिमिटेड। इंटर प्रेस करके हम आगे बढ़ेंगे। मेलिंग नेम जो इसका होगा वो हम डाल देंगे, एड्रेस हम डाल देते हैं कि ये कंपनी हमारी साउथ में है, मुंबई। इंटर प्रेस की जो भी और एड्रेस वगैरह है, स्टेट हम इसका डाल देते हैं महाराष्ट्र। यहाँ से हम लिस्ट ऑफ स्टेट से महाराष्ट्र सेलेक्ट किए और डाल दिए। इंडिया पिन कोड जो भी होगा वहां का वो हम डाल देंगे। मान लीजिए मैं से ही कुछ नंबर दे रहे हैं, अल्फाबेटिकल नंबर, टेलीफोन नंबर जो भी होगा वो हम डाल देंगे, मोबाइल नंबर जो होगा वो डाल देंगे, फैक्स नंबर कंपनी की, ईमेल जो होगा वो डाल देंगे, इसी तरह से हम एक ट्रायल के लिए बना रहे हैं एक कंपनी। देन जो उसकी वेबसाइट होगी वो डाल देंगे, जो फाइनेंशियल ईयर होगा डेट वो हम डालेंगे, जो सिंबल होगा, एंड देन हम कंपनी को एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने जो ये कंपनी क्रिएट की है ब्लास्टर एंड कंपनी लिमिटेड, हम इस पे गोडाउन के फीचर्स की एंट्री करेंगे। तो ये जैसे कंपनी का जो आया मेंटेनेंस अकाउंट्स वगैरह ये सब, तो यहाँ से हमें गोडाउन के कोई ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, अंदर हम इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं और हम आ जाएंगे सीधे गेटवे ऑफ टैली पे। जैसे हमारी एक कंपनी खुल रखी है, हमने इस कंपनी को सिलेक्ट कर लिया। मम्मा मौसी,
और इस कंपनी में हम आगे ऐसे हमारी कंपनी यहाँ सिलेक्ट हो गई है ब्लास्टर एंड कंपनी, और इस कंपनी के हम यहाँ से हम आएंगे लोकेशन पे। ये हमारा एजुकेशनल मोड है इसलिए हमारे पास ये लोकेशंस के ऑप्शन आ रहे हैं। अगर हमारा ये रजिस्ट्रेशन किया हुआ रहता टैली प्राइम तो यहाँ पे हमें गोडाउन्स के ऑप्शंस आते, फिर भी हम यहाँ लोकेशन पे आकर के यहाँ कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे एंड देन हम यहाँ पे आएंगे। ये हमारा आया मेन लोकेशन एग्जिट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी, डू यू वांट टू लर्न मेन लोकेशन फॉर क्रिएट अ न्यू लोकेशन। तो हमें यहाँ से कंट्रोल सॉरी कीबोर्ड से सी प्रेस करके क्रिएट न्यू पे आ करके गोडाउन मेंटेनेंस यहाँ से कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ डायरेक्ट इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ लोकेशन पे हम जो भी गोडाउन की एंट्री करेंगे वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम गोडाउन के कोई गोडाउन ले लेते हैं सियालदह गोडाउन, हम यहाँ से एक गोडाउन क्रिएट कर ले रहे हैं सियालदह। इंटर प्रेस करेंगे और ये हमारा प्राइमरी है, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये हमारा गोडाउन यहाँ से क्रिएट हो जाता है। इसी तरह हम एक दो और गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं और उसमें आपको एड्रेस डालना बताते हैं ताकि हम गोडाउन जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो कहाँ की गोडाउन है उसकी एड्रेस की डिटेल्स। मान लीजिए हम एक और गोडाउन यहाँ से क्रिएट कर ले रहे हैं, BARA बड़ा बाजार, बड़ा बाजार गोडाउन, बड़ा बाजार समस्तीपुर गोडाउन। हम इंटर प्रेस करेंगे। अब हमें हम यहाँ प्राइमरी तो सिलेक्ट करेंगे, उससे पहले हमें गोडाउन की सारी डिटेल्स डालनी है आपको। अगर टैली प्राइम में आप गोडाउन की एंट्री कर रहे हैं वो गोडाउन कहाँ की है उसकी डिटेल्स डालने के लिए हम यहीं पे कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन का एक विंडोज ओपन होता है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी हमें यूज एड्रेस फॉर लोकेशन एंड यूज प्राइमरी या पैटर्न गोडाउन फॉर गोडाउन, ये गोडाउन फॉर गोडाउन की जो एंट्री है वो मैं आपको बाद में करके बताऊंगी मल्टीपल गोडाउन का जब यूज करेंगे तब, अभी मैं सिंगल गोडाउन की एंट्री बता रही हूँ। यहाँ से हम आएंगे कीबोर्ड से डाउन बटन प्रेस करके यूज एड्रेस फॉर लोकेशन, यहाँ पे हम यस करेंगे एंड देन हम इसे कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर इंटर प्रेस करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे ही हमने उसे एक्सेप्ट कराया तो यहाँ पे हमारे पास एड्रेस का ऑप्शन आ गया। अब एड्रेस में हम डाल सकते हैं कि हमारा ये गोडाउन समस्तीपुर का है, और भी जो इसकी डिटेल्स वगैरह आपको डालनी है वो आप डाल सकते हैं, पिन कोड इसकी मेन लोकेशन वगैरह, एंड देन आप इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिए। हमने यहाँ पे दो गोडाउन क्रिएट कर लिया। वापिस हम एस्केप की से बाहर आएंगे और यहाँ से हम ग्रुप में आकर के जो हम एंट्री करेंगे उसकी कुछ डिटेल्स कर लेंगे कि हमें गोडाउन में किस किस चीज की एंट्री करनी है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के उसका सॉल्यूशन टैली प्राइम पे करके बताऊंगी। इससे पहले हम जान लें कि गोडाउन क्या है। गोडाउन एक ऐसा स्टोर होता है जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में स्टॉक्स या गुड्स वहां पे हम रखते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ट्रक ये माल ट्रेन वगैरह होती हैं, उससे कुछ माल गिरते हैं जैसे चावल की बोरी गेहूं की बोरी, वो सब डायरेक्ट क्या दुकानदार के पास जाता है? नहीं, वो माल हमारा डायरेक्ट स्टेशन से गोडाउन आता है, गोडाउन से शॉप बाय शॉप भेजा जाता है। तो गोडाउन में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जिस गुड्स या माल को रखा जाता है वो हमारा गोडाउन कहलाता है। आइए हम
एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो गोडाउन क्रिएट किए थे वो हम चेक कहाँ से करें, कि हमने जो गोडाउन अभी बनाया है वो गोडाउन हमारे कौन से लोकेशन में हुए हैं क्रिएट। तो हम डाउन एरो प्रेस करके डिस्प्ले मोड पे आएंगे, या फिर कीबोर्ड से हम शॉर्टकट की जो हाइलाइटेड की है उसे भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से आएंगे इन्वेंट्री बुक पे, तो हम कीबोर्ड से डायरेक्ट आई प्रेस करेंगे तो हमारा इन्वेंट्री बुक ओपन हो जाएगा। और यहाँ से हमें जाना है लोकेशन पे, तो हम कीबोर्ड से एल प्रेस किए और हम आ गए लोकेशन पे। यहाँ हमने कुछ गोडाउन क्रिएट कर रखे हैं, जैसे कि बड़ा बाजार, समस्तीपुर गोडाउन, मेन लोकेशन और एक सियालदह। हमने यहाँ दो गोडाउन अभी क्रिएट किया है, वो दोनों गोडाउन हमारे पास आ गए। देन हम एस्केप की से बाहर आएंगे और अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक कोई कंपनी है, जैसे कि हमने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है यहाँ पे ब्लास्टर एंड कंपनी लिमिटेड, और इस कंपनी से हमें कुछ आइटम लिए हैं और वो आइटम हमें कितनी क्वांटिटी में लिए हैं, कितने पीसेस लिए हैं और उसकी हमें और वो हम कौन से गोडाउन से लिए हैं या फिर कौन से गोडाउन में उसको भेजना है, उसकी एंट्री हम करेंगे। तो आइए इसके लिए हम आएंगे भाउचर पे। भाउचर हम कीबोर्ड से की भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से आएंगे हम परचेज की एंट्री, क्योंकि हम गोडाउन से माल परचेज कर रहे हैं तो हम परचेज की एंट्री करेंगे परचेज पे आके, या फिर कीबोर्ड से F9 प्रेस करके। यहाँ पे आके हमें कुछ आइटम क्रिएट करने होंगे। हमारा ये एक एग्जाम्पल है, हमने तीन आइटम ले रखे हैं, सेलरॉन प्रोसेसर 233 जो कि 3 पीस क्वांटिटी है और 600 पर रेट है, CP223 जो कि 5 पीस क्वांटिटी है और 500 पर रेट है, सेलरॉन MHZ233 जो कि 750 पीस, और ये जो आइटम है हमारा वो है सियालदह गोडाउन का और समस्तीपुर गोडाउन का। ये तीनों आइटम को हम दोनों गोडाउन में डाल करके इसकी एंट्री करेंगे। आइए इसके लिए हम आते हैं टैली प्राइम पे। यहाँ से हम आएंगे परचेज भाउचर पे, यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे क्योंकि हमने ये लेजर क्रिएट कर नहीं रखा है, और क्रिएट के लिए हम जाएंगे यहाँ से भी हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं, और इससे पिछली वीडियोज में मैं आपको क्रिएशन के ऑप्शन बता चुकी हूँ, फिर भी आप एक बार यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ से लेजर कैसे क्रिएट करते। तो हमारा था इंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा अंदर में आ जाएगा, ये हमारा रॉ मटेरियल है। तो हम यहाँ से एक, क्योंकि गोडाउन में कच्चा माल ही आया है, हम रॉ मटेरियल की अंदर में एक यहाँ से क्रिएट कर लेंगे एंट्री रॉ मटेरियल की। क्योंकि हर माल जो होता है वो हमारा मैन्युफैक्चर ही नहीं होता है, मटेरियल वो रॉ भी हो सकता है या फिर, और यहां से हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर जीएसटी डिटेल्स वगैरह डालनी है तो डाल के एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड देन हमारा यूनिट्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे पीसेस का, यूनिट करना क्रिएट करना भी मैं आपको बता चुकी हूँ, हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। या गया हम मेंटेनेंस इन बैचेज, जो भी मेंटेनेंस इस बैच का करना चाहते हैं अगर वो करना है तो यहाँ यस कर सकते हैं, अगर आपकी कंपनी में वो जरूरत है तो आप कर सकते हैं। अनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग जो भी हो वो हम डाल दें, जीएसटी अप्लीकेबल करना है तो जीएसटी डाल दीजिए, अदरवाइज इंटर प्रेस करके, ये हमारा गुड्स है तो गुड्स हम रहने देंगे, हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आता है हमारा लोकेशंस, कि हमने जो सेलरन प्रोसेसर लिया है वो कौन से गोडाउन से लिया है। तो हमने गोडाउन यहाँ पे सिलेक्ट किया था, यहाँ हम डाल देते हैं बड़ा एक जो यहाँ पे हमने गोडाउन क्रिएट कर रखा है वो गोडाउन ले लें,
बड़ा बाजार समस्तीपुर, ये हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे। और जो क्वांटिटी थी हमारी वो हम यहाँ से ले लेंगे। थ्री पीस, रेट हमारा था 600 रुपये पर पीस। नहीं, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डालेंगे, अदरवाइज हम इसे इंटरप्रेस करके आगे बढ़ेंगे। और भी हमारे कुछ आइटम्स हैं जिन्हें हम डाल सकते हैं। CP23 अगर अलग गोडाउन में हमें इसे सेंड करना है तो हम गोडाउन अलग से यहाँ पे लिख दें सियालदा गोडाउन, इसमें हम डाल दें। इसी सेलरन प्रोसेसर की ही हम कुछ और एक डाल देते हैं कि हमने समस्तीपुर बड़ा बाजार में 3 पीस क्वांटिटी भेजी है सेलरन प्रोसेस की, वहां से लेनी है और वो 600 रुपये पर पीस दे रहा है। सियालदा गोडाउन से हमें 15 पीस लेनी है क्वांटिटी सेलरन प्रोसेसर की, जो कि 600 रुपये पर पीस है। वो हम जैसे ही हमने यहाँ 15 पीसेस डाले और वो हमारा रेट अमाउंट कैलकुलेट कर दिया, इसी तरह हम इंटरप्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी एंट्री यहाँ सेलरन प्रोसेसर की हो गई 18 पीस की, जो कि दोनों अलग अलग गोडाउन से लिए गए हैं, एक सियालदा गोडाउन से और एक बड़ा बाजार गोडाउन से। अंदर हम इस एंट्री को इंटरप्रेस करके और भी अगर अलग गोडाउन की यहाँ एंट्री करनी है तो वो आप किसी और भी आइटम्स की, मान लेते कि हम एक सीपी का कर ले रहे हैं, CP23 का, तो इसके लिए हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे लेजर। देन हम यहाँ पे आएंगे और सीपी हमारा एग्जाम्पल में था 23, इंटरफेस करके हम आगे आएंगे। ये हमारा अंडर में आ जाएगा रॉ मटेरियल, ये भी हमारा रॉ मटेरियल है, पीसेस वगैरह। अंदर हम इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसे हम डाल रहे हैं सियालदा गोडाउन में, इसकी क्वांटिटी मान लेते हैं हमारे एग्जांपल में है 5 पीस, हम इसे 50 पीस कर दे रहे हैं क्योंकि गोडाउन से ले रहे हैं तो 5 पीस क्या ले। और रेट हमारा था एग्जाम्पल में वही ले लें, 500 रुपये पर पीस पड़ रहा है। देन हम इंटरप्रेस करके आगे बढ़िए। इसी आइटम को फिर से हम बड़ा बाजार गोडाउन में भी डाल रहे हैं, तब वहां से भी ले रहे हैं 50 पीस और वहां से रेट हमको 500 रुपये पीस पर। अंदर हम इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लिए। देन हम इंटरप्रेस करके आगे बढ़ेंगे और हमें डिटेल्स GST की देनी है तो यस करें, अदरवाइज नो रहने दें। जो हमारी बिल देनी है न्यू रेफरेंसेस अगेंस्ट बिल वो हम ले लें और यहाँ से हम नरेशन लिख सकते हैं। और नरेशन क्या लिखें तो हम लिख सकते हैं परचेज इन गुड्स फॉर बड़ा बाजार एंड सियालदा गोडाउन। हमने गुड्स परचेज किए हैं बड़ा बाजार से और सियालदा गोडाउन से, अंदर हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी गोडाउन की एंट्री थी। वापिस से हम एस्केप की से बाहर आएंगे और हमने जो भी एंट्री की है उसे देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले मोड पे
सॉरी देवबुक पे, देवबुक से हम ब्लास्टर कंपनी में जो हमने परचेज की एंट्री की है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर इस विंडोज में या फिर इस कंपनी को क्रिएशन करने में या फिर इसका लेजर बनाने में जो कोई भी गलतियां वगैरह हुई है या फिर कुछ छूट गया हो, आप यहाँ से फिर से सही करके इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम स्किप की से बाहर आते हैं, हमने जो ये एंट्री की इसे हम राइट क्लिक प्रेस करेंगे माउस से और जो रेफरेंसेस नंबर है जो एंट्री की है वो हम इसकी सारी डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। वापिस हम स्किप की से बाहर आएंगे और यहां से हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली के विंडोज पे और हमने जो लोकेशंस में जाकर के जो एंट्री की है गोडाउन की वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल जी कीबोर्ड से प्रेस करें या फिर गो टू पे जाए और यहाँ से हम आएंगे नीचे लोकेशन समरी पे। ये रहा हमारा लोकेशन समरी एंड देन हम यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे। अगर आपकी ये सिस्टम पे ये विंडोज शो नहीं कर रहा है तो यहाँ शो मोर पे क्लिक करके ये ऑप्शंस देख सकते हैं। देन हम यहाँ से इंटर प्रेस किया हमने और हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमने जो गोडाउन बनाए थे वो यहाँ पे है और इसमें हमने क्या क्या एंट्री की है वो हम देख सकते हैं। हमने रॉ मटेरियल की 53 पीस एंट्री की है जो कि 50 पीस ज्यादा गोडाउन से थी और 3 पीस बड़ा बाजार गोडाउन से, 3 पीस हमारा सेलरन प्रोसेसर था। इसकी सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं ब्लास्टर एंड कंपनी ने जो परचेज किया। सेकंड की भी सारी डिटेल्स आप यहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये था हमारा गोडाउन का टॉपिक। सियालदा गोडाउन में हम आ जाएंगे। सियालदा गोडाउन में हमने 65 पीस रॉ मटेरियल की थी, सेलरन प्रोसेसर की 15 और सीपी 23 की 15। इसकी भी डिटेल्स हम बस इंटर प्रेस करना है हमें हर एंट्री के ऊपर और हमें उसकी सारी डिटेल्स मिलती जाएगी। तो यही है टैली प्राइम की खासियत कि हमें ढेर सारे ऑप्शंस अनेबल नहीं करने होते हैं, डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली के विंडोज से ही हम सारे वाउचर्स वगैरह की एंट्री कर सकते हैं। तो इस वीडियोस में आपने सीखा गोडाउन क्रिएट करना, गोडाउन की जो एंट्री करते हैं वो कैसे हम उसके लोकेशंस ऑन करते हैं और उसमें कैसे हम गोडाउन की ग्रुप बनाते हैं, आइटम क्रिएट करते हैं गोडाउन में जो हमें डालने होते हैं, वहां से जो लेने होते हैं। और अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी मल्टीपल गोडाउन का यूज करना और उससे किस तरह से हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में गुड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।